गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। अभी देखिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, तो ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं आरवी को लेके छत पे आ गया हूँ थोड़ा सा घुमाने के लिए। घर पे आरवी रह के बोर हो जाती है, तो सोचे कि छत पे घुमा देता हूँ। आज धूप भी नहीं है ज़्यादा, आसमान देखिए बादल किया हुआ है, तो आरवी को घुमाने के लिए थोड़ा छत लेके आया हूँ। अभी बस हवा चल रहा है हल्का फुल्का और बादल है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए आप लोग को मैं बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ फिर से छत का। देखिए फ्रेंड्स, छत से हम लोग का ऐसे टाइप का व्यू आता है पूरा। देखिए नीचे का ट्रैफिक देखिए अभी। फ्रेंड्स देखिए, अभी बस हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ा सा काम से बाहर जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस चलिए, पोस्ट ऑफिस चलते हैं, कुछ काम है, इम्पोर्टेंट काम करते हैं, फिर आप लोगों बात करते हैं बाद में। देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस हम लोग निकल गए, यहाँ भी आज काम नहीं हुआ, चलिए घर चलते हैं डायरेक्ट। अब कोई काम नहीं हुआ आज पीछे पोस्ट ऑफिस। फ्रेंड्स देखिए, लंच टाइम हो गया, हम लोग पोस्ट ऑफिस से आ गए थे एक घंटा डेढ़ घंटा पहले। अभी बहुत लेट हो गया, 4:30 बजने जा रहा है, 4:30 बजे लंच हो रहा है आज। आज देखिए लंच में चावल है या आलू भाजा है, आलू फ्राइड है, यहाँ है पटल भाजा, और ये है कद्दू या कोहड़ा जो भी बोलिए, यहाँ पे कुमड़ो बोलते हैं हम लोग बंगला में, कुमड़ो भाजा, तो यही यहाँ पे आइटम है। और यहाँ पे उसके साथ दाल है और है हिलसा, हिलसा फिश जो आप लोग को दिखाए थे, इलिश, बहुत ही स्वादिष्ट होता है फिश, हम लोग को पहले बहुत बार बताया है। तो आज बस यही लंच होने वाला है, फटाफट लंच करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, 4:30 बज गया, तो लंच के बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग का लंच हो चुका है और अभी देखिए टाइम क्या हो रहा है, 5 बज रहा है और आज भी बैठ के अपना टॉय के साथ, फेवरेट टॉय के साथ खेल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि आरवी का पासपोर्ट आ चुका है, और सबसे बैड न्यूज़ ये है कि अभी तक मेरा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो कल मैंने उन लोगों से बात किया था, तो मे बी शायद 15 अगस्त को हो जाए, और अगर नहीं होता है 15 अगस्त को तो फिर मुझे रुकना पड़ेगा, और रौनित को 16 को जाना ही है, मतलब 15 को जाना है, 16 को उनको काम है ऑफिस का, तो वो चले जाएँगे एंड फिर आना पड़ेगा उनको। देखिए क्या होता है, कल होने के बाद ही पता चलेगा, तो जो होगा 15 अगस्त के बाद ही पता चलेगा, और उसके बाद ही आप लोगों को बता पाएंगे। आपके पहले दिए गए वोट्स, ये देखिए फाइनली बिग बॉस का वो आ गया है। 15 मिनटों में जो वोट्स आपने दिए हैं, मैं भी अभी वोट की हूँ, मैं अभिषेक को बहुत सारा वोट, ये देखिए रिजल्ट, हमारे फिंगर क्रॉस। हम और रौनित सोचे थे बैठ के फिनाले देखेंगे, लेकिन रौनित का अचानक से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा क्लिप देख पा रही हूँ, पूरा देख नहीं पा रही मैं भी। दिल है जीत गया, एलवे जीत गया यार। मुझे लग ही रहा था एलवे से जीतेगा। बाबू एल्विस गाइस, वो सब अपनी जगह में है, लेकिन मेरे बच्चे का तबीयत खराब है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, जल्दी ठीक हो जाए। गाइस प्रे फॉर हिम कि ये जल्दी ठीक हो जाए। मुझे लग रहा था कि एल्विस जीतेगा, लेकिन अभिषेक को सपोर्ट कर रहे थे, कोई नहीं। आप किसको सपोर्ट कर रहे थे बाबू? एल्विस और उस पर मुझे भी चलेगा, लेकिन मैं बस चाह रही हूँ कि आप ठीक हो जाए। हम लोग सोचे थे हम लोग दोनों फिनाले बैठ के एक साथ देखेंगे, लेकिन
मैं भी अच्छे से देख नहीं पाई है ना, बस बार बार देख रही हूँ कि ये ठीक हो जाए। कल 15 अगस्त को इनको जाना था लेकिन नहीं जा पाएंगे, अब तबीयत इनका बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई नहीं, अभी कैसा लग रहा है गाइस? बस सब कुछ ठीक था। शाम को 5 बजे से रौनक का तबीयत खराब स्टार्ट होना, और मुझे भी, मेरा भी तबीयत इतना खराब हो रहा था। मैंने कैल्पोल लिया है तो मुझे अभी ठीक लग रहा है। मैं मतलब उतना जल्दी फीवर वगैरह मुझे आता भी नहीं है, तो बस इनका टेंशन है ये ठीक हो जाए। डॉक्टर भी आकर के घर पे देख के चले गए हैं। मतलब ये लगा लीजिए पिछले लास्ट मंथ से इनका 3 बार फीवर आ चुका है, तो ये थोड़ा हम लोगों को भी लग रहा था कि क्यों हो रहा है ऐसे बार बार। तो उन्होंने विटामिन वगैरह दिया है, कुछ कुछ कैल्शियम नहीं है, जिंक है ना, और विटामिन है, विटामिन सी, तो वो सब लेने को कहा गया है। बस ये थोड़ा ठीक हो जाए। मुझे बहुत टेंशन होता है इनका, वो फीवर वीवर आता है, आरवी कैसे करती है इनके पास जाने के लिए। तो बस आज वैसा कुछ और दिखा भी नहीं सकी रौनित, लास्ट वही वीडियो बना पाए खाना खाने के बाद ही, तो इनको प्रॉब्लम हो गया ना, 5 बजे स्टार्ट हुआ इनका। तो गाइज अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।